हमारी प्राथमिकता हो कि गरीबों को जितना राशन नहीं बना है, इंदिरा आवास नहीं बना है, नौकरी के आवाज उठाएंगे नौजवानों को जो बेरोजगार है, और हर तरह के जितना लड़ाई लड़ेंगे गरीबों के लिए लड़ेंगे। शाहपुर में दो बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा और आरजेडी, उस बीच में आपको चुना गया है, किस तरह की लड़ाई होगी? लड़ाई तो हमारे से होगी, कोई भी पार्टी हो लड़ाई हमसे होगी, दूसरे से नहीं होने वाला। ये सर की पूरा आक्रोश है आरजेडी में और बीजेपी में, जितने आक्रोश का वोट है मेरा मिलने जा रहा है, हर जात के लोगों के वोट हमारा मिलने जा रहा है, कोई एक जात के नहीं, हर जात का लोग वोट देंगे हमको। आपके द्वारा पिछला चुनाव में आशा देवी सामाजिक कार्यकर्ता को भी जिला परिषद का चुनाव मतलब कि जिताया गया था, जीत आपने दर्ज कराई थी? हाँ, दर्ज कराया था, मैंने गरीबों का सेवा किया था, तो हमने हमको जिला परिषद से 20 वर्षों तक ले हमको मुखिया रखा है, जानता हमको, इसलिए नहीं जिताती, हम गरीबों की सेवा किया है, नौजवानों के मान सम्मान दिए हैं, जात नपात किए हैं, हर जात का हमने काम किया है। कितना तारीख को नामांकन रखा है? युवाओं के लिए यदि चांस मिलती है हमारा, युवाओं के लिए नौकरी देने का काम करेंगे, जितना मेरे सामने होगा वकालत करेंगे। एमआईयू समीकरण से चुनाव लड़ेंगे या सर्वदलीय वोटिंग? आप हमारा न आरजेडी से मतलब है न बीजेपी से मतलब है, हमको हमारे क्षेत्र के लोग ने निर्दलीय चुनाव लड़ाने का घोषणा किया, हम लड़ने के लिए तैयार है। नामांकन की तिथि कब तय कर रहे हैं? नामांकन तिथि अब आदमी ऐसी करके मैं बताऊंगा कब करूँगा। चौदह पंचायत के मुखिया आपके साथ हैं? नहीं, हमारा चौदह पंचायत में अभी हम वर्तमान में 8 मुखिया साथ है, झूठ बोलेंगे कहा भाई हम कल बिहिया ब्लॉक के मुखिया। हाँ, बिहिया ब्लॉक के नाम मीटिंग कराए हैं। ठीक।